आज की बड़ी खबर क्या है? एक सवाल, कितने आदमी थे? गब्बर ने 1975 में पूछा था, आज हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि इस साल पूरे मुल्क की पिक्चर बननी है जो हम सब 5 साल देखने वाले हैं, इसलिए सवाल का वजन बहुत ज्यादा है। और बात सिर्फ 5 साल चलने वाली सरकार तक भी महदूद नहीं है, इन्हीं दिनों में ये भी तय होना है कि सवाल पूछा कौन सा जाना है। क्या सारे सवालों के लिए जगह बची रहेगी, या फिर कुछ सवाल होंगे जिन्हें पूछने की मनाही होगी, और क्या सारे जवाब अब आंकड़ों में दे दिए जाएंगे? तो बड़ी खबर में आज हम इसी सवाल को टटोलेंगे, कितने आदमी थे, या फिर ये कि कितने आतंकवादी थे। हमारे देश पर जब कोई बड़ा संकट आता है तो सरकार और विपक्ष एक रस्म अदायगी करते हैं कि हम साथ साथ हैं, और संकट की गंभीरता का पैमाना हमारे यहाँ एक ही है, आंकड़ा। पुलवामा में CRPF पर हुए आतंकवादी हमले में 10 राज्यों के 40 जवान शहीद हुए। सरकार और विपक्ष कुछ देर साथ नजर आए। फिर 26 फरवरी को वायुसेना की कार्रवाई हुई, विपक्ष ने सेना की नजर उतारी। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना ने LOC लांघी, हमारी तरफ से जवाब देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का पैराशूट LOC के पार जाकर गिरा। सरकार और विपक्ष फिर एक दूसरे के सगे हुए। 2 दिन बाद अभिनंदन लौट आए, शनिवार और रविवार की छुट्टी पड़ी और सोमवार तक भारत में सब सामान्य हो गया। सबूत आप खुद ही देख लीजिए। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द डेली टेलीग्राफ, द जेन्स इंफॉर्मेशन जर्नल, रॉयटर्स, व्हाइल ऑल दीज इंटरनेशनल एजेंसीज आर सेइंग दैट देयर इज नो प्रूफ ऑफ मिलिटेंट्स बीइंग किल्ड एट बालाकोट। पुलवामा ની અંદર ઘટના થતાની સાથે જ બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, કે એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250થી વધારે આતંકવાદીઓનો શોધ। મોદીજીઓ એ ઘટના હોવાર પર ચુરુતે ભાષણ દીએ છે, ઉની કી બોલે છે જે કે 300 લોક મરા ગયા છે। अब इनमें से किसकी बात सही है, इसे पता करने का एक ही तरीका है कि हम सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं पर नजर डालें। जब उड़ी का आतंकवादी हमला हुआ तो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब पाकिस्तान ने सबूत मांगे थे और विपक्ष ने भी, लेकिन 26 फरवरी को वायुसेना की कार्रवाई का पहला सबूत पाकिस्तान ने ही दिया। पाकिस्तानी समय के मुताबिक सुबह 5:12 पर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल का आधिकारिक हैंडल से ट्वीट आया। पाकिस्तानी सेना में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लिखा कि भारत के फाइटर जेट LOC के पार आए। 3.5 घंटे बाद आसिफ गफूर का ही एक और ट्वीट आया जिससे पता चला कि वायुसेना की कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर घुसकर बालाकोट में हुई थी, वहां पर बम गिरे थे। भारत की तरफ से विदेश सचिव विजय गोखले का बयान आया, उससे 2 चीजें साफ हुई। पहली चीज कि भारत ने बालाकोट में एक असैन्य कार्रवाई की है, हमला नहीं बोला है, और दूसरी चीज वायुसेना का टारगेट जैशे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था और हमला सफल रहा। गोखले ने अपनी बात खत्म करने से पहले पाकिस्तान को 2004 वाला उसका वादा भी याद दिलाया कि अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। ये परोक्ष रूप से इमरान खान के उस बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था, लेट बेटर सेंस प्रिवेल। भारतीय वायुसेना ने 1971 के बाद LOC लांघी थी। गोखले के बयान के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखने लगी, और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? वहां से सेना बोली, आवाज फिर आसिफ गफूर की थी कि हिंदुस्तानी वायुसेना के बम खुले में गिरे थे, कोई नुकसान नहीं हुआ, और यह भी दावा किया कि सबूत देंगे। सुनिए आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाय एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाय रोड लेके जाऊं तो वहां पे अंधेरा हो चुका होगा। गफूर के बयान के बाद PR के मामले में गेंद फिर भारत के पाले में चली आई। अगले दिन सुबह दोनों देशों की वायुसेना में आमने सामने की लड़ाई हो गई और फिर पूरा फोकस विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर चला गया। लेकिन एक सवाल अपनी जगह रहा कि 26 की सुबह बालाकोट में हुआ क्या था? सबकी नजर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की तरफ थी। क्या देखा अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने?
गफूर ने जिस आत्मविश्वास से कहा था कि बालाकोट जाकर देख लीजिए, वो सुबह होते होते गायब हो गया। बम बालाकोट में जाबा नाम के गांव के पास गिरे थे, लेकिन यहां मीडिया अपनी मर्जी से नहीं जा सकता था। बीबीसी ने लिखा है कि मीडिया को पाकिस्तानी सेना की निगरानी में ले जाया गया और सब जगह जाने भी नहीं दिया गया। लोगों ने मीडिया को बताया कि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मदरसा है जिसे जैश ए मोहम्मद चलाता है। पास में एक बोर्ड लगा था जिसमें मसूद अजहर को तलीमुल कुरान मदरसे का प्रमुख और मोहम्मद यूसुफ अजहर को प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया था। पाकिस्तानी सेना ने मदरसे में किसी को नहीं जाने दिया और बाद में बोर्ड भी हटा लिया। जिसने भी खबर की, दूर से बताया कि आगे जैश का मदरसा है और पास के गांव वाले ये कह रहे हैं। एक सवाल ये भी उठा कि लाशें कहां गईं। भारत के आधिकारिक बयान में कहा गया था कि जैश आतंकियों को भारी नुकसान हुआ। सवाल हुआ कि अगर हुआ तो लाशें कहां गईं, घायल कौन से अस्पताल में गए। सिर्फ कौवा मरने वाले पाकिस्तानी मखौल को अगर एक तरफ रख भी दें तो दुनिया के ज्यादातर मीडिया ने किसी हताहत के होने की बात से इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार फ्रांचिस्का मरीनो ने पाकिस्तान में अपने सूत्रों के आधार पर दावा किया कि बम गिरने की जगह से 35 के करीब शवों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। खबरें ये भी आईं कि पास के एबटाबाद अस्पताल में 60 बेड रिजर्व किए गए थे। और जब जब हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दावे सुने तो ये याद रखें कि चाहे अमरीकी प्रतिष्ठान हो चाहे ब्रिटिश, ये हमेशा से ही कश्मीर के मामले पर भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। भारत के दावों की बात करें, ये जान लें कि हम कितने सटीक हैं। आसिफ गफूर जिस शांत भाव भंगिमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे ये संदेश जा रहा था कि पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि F-16 इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब 27 फरवरी की शाम को भारत में तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पूरी दुनिया ने एमरेम मिसाइल का पुर्जा देखा। यानी पाकिस्तान ने अमरीका की शर्तों के खिलाफ जाकर एक सैन्य कार्रवाई में F-16 का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने इस बारे में पाकिस्तान से जवाब भी तलब किया है। दावों पर दावों वाले खेल के हिसाब से यहां भारत ने एक पॉइंट स्कोर किया। सेना लगातार कह रही है कि उसके पास सबूत हैं और उन्हें सरकार जारी कर सकती है। वायुसेना प्रमुख धनोआ की खरी खरी आप खुद यहां सुन लीजिए। We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. पर कुछ सबूत हैं जो पिछले दरवाजों से बाहर आए। आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय वायुसेना जब पाकिस्तानियों से बचकर लौट रही थी तो जल्दी जल्दी में बम छोड़कर निकल गई। जेट की रफ्तार और ट्रेजेक्टरी के चलते बम बालाकोट पर गिर गया। भारतीय मीडिया में मरने वालों का अलग अलग आंकड़ा भी आया था और यह भी बात हुई कि वायुसेना ने इसराइल से लाए स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है। क्या है ये स्पाइस 2000? ये बंकर रोधी गाइडेड बम है। टारगेट के इलाके में अगर GPS जैमर भी काम कर रहा हो तब भी ये अपने निशाने की पहचान करके गिरते हैं। और जरूरी नहीं कि बम गिरने पर बिल्डिंग गिर जाए, ये बम छत फाड़ कर भीतर जाते हैं और फटते हैं। मीडिया में तस्वीरें घूम रही हैं जिसमें कुछ इमारतों पर बने छेद नजर आ रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही है। पर मोटा माटी इन बातों से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष, वायुसेना की कार्रवाई सफल रही है। दूसरा निष्कर्ष, इस सफलता का असर और आकार वक्त के साथ सामने आएगा, फिलहाल के आंकड़े अनुमानित ही हैं। तो फिर काम का आंकड़ा कौन सा है? विपक्ष के सामने कठिन स्थिति है। वो सरकार का नैरेटिव तोड़ना तो चाहता है लेकिन उसे डर है कि कहीं राष्ट्र विरोधी घोषित ना कर दिया जाए, इसलिए विपक्ष किसी एक लाइन पर टिक नहीं पा रहा, क्योंकि सरकार चलाने वाले अपना गेम अच्छे से खेल रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी। हर चीज पर दौड़कर जवाब नहीं दे रही सरकार। पहले पार्टी और सरकार के बीच का फर्क कम करने की कोशिश की गई और अब सरकार और सेना के बीच का फर्क कम किया जा रहा है। आतंक के खिलाफ सेना और सरकार साथ साथ हैं, तो सरकार पर सवाल माने सेना पर सवाल, और सेना पर सवाल तो देशद्रोह है ही। विपक्ष चाहता है कि बात हो रफाल पर, अंबानी पर, किसानों पर, बेरोजगारी पर और बाकी मुद्दों पर, और सरकार चाहती है कि थोड़ी बहुत बात अगर हो तो हो उज्ज्वला पर, पीएम किसान पर, PMJ जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं उस पर, नोटबंदी पर, प्रधानमंत्री आवास पर, और सबसे ज्यादा बात हो इस बात पर कि देश पर संकट है और देश को एक मजबूत नेता चाहिए जो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और देश पर जब संकट होता है तो क्या होता है, विपक्ष को कहना पड़ता है हम देश के और सरकार के साथ हैं।
लेकिन सैलरी भी तो जस्टिफाई करनी है। तो दिग्विजय के बयान आते हैं, सिब्बल के बयान आते हैं और सलमान खुर्शीद का बयान आता है और बात हो जाती है बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए लल्लन टॉप आपको बताता है आखिरी में कि कितने आदमी थे, काम का आंकड़ा बताता है कितने आदमी थे, नहीं कितने आदमी चाहिए, कितने सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। संख्या 272 की है और इसके बाद की सारी गिनतियां सियासी दलों के लिए बेमानी है। दी लल्लन टॉप का कॉल है कि आंकड़ेबाजी से भी बचा जाए और बयानबाजी से भी। इसलिए चलते चलते आप वायुसेना की कार्रवाई से पैदा हुई दो सूरतों के बारे में जानिए। इनमें से एक अच्छी है और एक बुरी जो सोचने पर मजबूर करेगी। इसलिए पहले कड़वी गोली ले लीजिए। कई विद्वानों का कहना है कि अब आगे आने वाली सरकारों पर यह दबाव रहेगा कि जब भी देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो जो पाक प्रायोजित हो तो उसका करारा जवाब दिया जाए, सैन्य जवाब दिया जाए, और इसके लिए सेना या तो उस पार जाए, या तो हवा से हमला करे, या पानी से, या जमीन से। लेकिन इसके खतरे हैं क्योंकि तनाव बढ़ते देर नहीं लगती और फिर अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात भी है। अच्छी बात क्या हुई इस हवाई हमले से, यह कि जब से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आया है, एक धारणा बन गई थी कि उसके आंचल में पल रहे आतंकवादियों पर सैन्य कार्रवाई मुमकिन नहीं है। लोग कहते थे कि अगर कार्रवाई की और पाकिस्तान भिदक गया और बम दग गया तो क्या बचेगा, बर्बादी होगी। इसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कहा जाता था। अब ये ब्लफ खत्म हो गया, धारणा टूट गई, पाकिस्तान में अंदर और बाहर सबको ये संदेश मिल गया कि आतंकवादियों को पोसना अब इतना आसान नहीं। और यहां पर भारत की रणनीतिक जीत भी है।